कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाक्य में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूँ। तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, मैंने कहा अब लव बोल रहा है, लव बोल रहा है तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ किया था कि हुआ सना, आप विशाल को जब थप्पड़ मारने वाला जी, सीन हुआ था जी, आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, हाँ, लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ऐसा भी कर सकता है। यस, तो क्या आपको आपको नहीं लगा कि ये आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले? मैम मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं। जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली, मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को, ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था, बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या बोला था। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ना ऐसे कॉमेंट पास किया, मैं खुद भी शौक थी लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है, लेकिन मेरा मुँह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था। उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे। लव कटारिया, लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूँ। तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, मैंने कहा अब लव बोल रहा है, लव बोल रहा है तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा। अभी आपका क्या थॉट है विशाल को लेकर, क्या आपको क्लियर हुआ है कि उसने ऐसी कुछ कमेंट नहीं किया था? तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ़ किया था कि ये हुआ, फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया। सो हैविंग सेड दैट, विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे बी उसको गलत वे में लिया गया होगा, मैं भी इस चीज़ पर बिलीव करना चाहूँगी, आई वुड वॉन्ट टू बिलीव दैट।